गुरुजी से मुझे जुड़े हुए या गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा 2009 में। गुरुजी तब तक अपना चोला छोड़ चुके थे, तो मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं उनके चरण छूकर उनके आशीर्वाद लूं। मेरा संगत जी कोटा राजस्थान में अनाज का व्यापार है, और अनाज के व्यापार के सिलसिले में एक दिल्ली की संगत हैं जो जनकपुरी में रहते थे, अभी गुड़गांव में हैं, देवेंद्र सिंह तलहान अंकल। वो एज ए कस्टमर मेरे पास आए, और कस्टमर के तौर पर जब हम लोग थोड़ा सा नजदीक हुए सप्लायर और कस्टमर के तौर पर, तो ऐसे ही बातों में कुछ अपने घर की प्रॉब्लम्स शेयर होने लगी। मेरे साथ एक परेशानी कहें या ईश्वर की कृपा कहें, बहुत सालों से थी। मेरी सबसे बड़ी बेटी है ऋचा, वो जब 2 साल की थी तो एक एक दवा के रिएक्शन की वजह से उसकी हियरिंग पावर चली गई थी। बहुत सारी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और सब जगह उससे दिखाया, तो वहां से जवाब ये मिला कि इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, जो हियरिंग लॉस इसको हो गया है। तो जब डॉक्टर्स से निराशा मिलती है तो फिर अपने आप आदमी जो है वो ऐसा सोचने लगता है कि मैं फला जगह मत्था टेकने जाऊं, या फला मंदिर में जाऊं, या किसी ने बता दिया कि कोई बाबा जी हैं वहां पर जाऊं तो शायद कोई मिरेकल ऐसा हो जाए कि ये बच्ची ठीक हो जाए। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी। वो गुरुजी के डिवोटी हैं तलान अंकल, तो उन्होंने गुरुजी के बहुत सारे मिरेकल्स के बारे में मुझे बताया। मैं उनके कहने पर मैंने कहा ठीक है, मैं ऋचा को लेकर आता हूं और बड़े मंदिर में वहां पर इसे मत्था टिकाएंगे, गुरुजी से प्रार्थना करेंगे। वो सिंपली मैं जुड़ा था कि भाई जैसे कोई जैसा बता रहे हैं महाराज हैं या बाबा जी हैं, और क्या पता कोई मिरेकल हो जाए। वहां गया, वहां पर मत्था टेक कर आए। इससे पहले बहुत सारी जगहों पर जब इस बच्ची के साथ दिक्कत हुई तो बहुत सारी जगहों पर मैं गया, 2-3 जगह से नामदान भी लिया। सबसे पहले घर पर किसी ने बताया तो कुछ पाठ पूजा वगैरह चालू की, उसके बाद फिर शांति कुंज हरिद्वार के स्थानीय मंदिर में मैं जाता था, तो वहां से गायत्री मंत्र के रूप में वो नामदान देते हैं, नामदान लिया। फिर एक मेरे मित्र थे, वो अजमेर किशनगढ़ के पास में सलेमाबाद स्थान है, वहां के जो गुरुजी हैं श्री जी महाराज उनको कहते हैं, वहां का सुना। तो पहले मुझे ये हुआ कि भाई गुरु कितने हो सकते हैं, हमने तो एक जगह से नामदान ले लिया गायत्री मंत्र का, अब दूसरी जगह कैसे जाएं। फिर किसी एक पंडित जी जो हमारे यहाँ आते थे तो उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई गुरु तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सलेमाबाद जाकर के और उनसे कृष्ण भगवान के वो स्थान है, उनसे साक्षात नामदान लिया। पर मन जो है वो
इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था कि गुरु जीवन में होने चाहिए, पर गुरु के साथ हम अपने मन की बात कहें और हमें ऐसा लगे कि भाई गुरु हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी समस्या को सुन रहे हैं या हमारे प्रेम को सुन रहे हैं। गुरु जी के मंदिर में जब मत्था टेक कर आए तो ढूंढने गए थे गुरु, मिल गए भगवान। जब जब भी गुरु जी के सामने कोई अपनी इच्छा प्रकट की, अपनी समस्या रखी, किसी भी समस्या का समाधान कब होना है ये तो गुरु जी तय करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सीधे गुरु जी हमारी बात सुन रहे हैं। मन को ऐसी शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिली, और गुरु और भगवान के रूप में जो तलाश थी वो वहां पर जाकर पूरी हो गई। 10-12 साल 13 साल लगातार चलता रहा। एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि कोटा में हम रहते हैं तो कोटा में कोई और गुरुजी की संगत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। फेसबुक पर सर्च किया तो एक कुणाल वधवा अंकल कोटा में हैं, उनका नंबर उस पर आया कि वो गुरुजी की संगत हैं कोटा की। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आप कोटा में रहते हैं और गुरुजी की संगत हैं तो हमें मिलना चाहिए। भाग्य की बात है कि उसके 4-5 दिन बाद कोटा में एक और संगत गुरुजी की हैं, लोकेश डांडोना अंकल, उनके घर पर सत्संग होना था। हम लोग जो है वो उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम लोग वहां गए और बहुत छोटी सी संगत उस समय थी, 4-5 सदस्य हम लोग, गुरुजी का सत्संग हो रहा था और वहीं पर हम 4 संगत मिले, लोकेश अंकल, संदीप वधवा अंकल, एक विपिन बनचंदा अंकल हैं, और हमने फिर एक कोटा गुरुजी संगत करके ग्रुप बनाया और तय किया कि कोटा में हर महीने आखिरी रविवार को हम सत्संग किया करेंगे। लगभग 2.5 साल हो गए गुरुजी की कृपा से, कोरोना काल भी निकला, बड़ा कठिन समय था पर सत्संग लगातार चलता रहा और हर महीने पता नहीं कैसे संगत को पता लगता था, 10-15 संगत 20 संगत बढ़ जाती थी। और अभी कोटा में 300 से ज्यादा गुरु चरणों से जुड़ी हुई संगत हमारे ग्रुप में है जो सत्संग में आते हैं, सत्संग करते हैं। गुरुजी की कृपा कब कैसे होती है पता नहीं, गुरुजी ही जानते हैं। एक घटना मैं शेयर करना चाहता हूं। लगभग 3 साल पहले मेरी फैक्ट्री में आग लग गई रात को, लगभग 1 बजे फोन आया वहां से चौकीदार का कि सब फैक्ट्री में आग लग गई है।
मेरे दोनों बेटे और मैं पहुंचे जल्दी से वहां पर, फायर ब्रिगेड बुलाई। इतनी भयानक आग थी कि उसे बयान करना मुश्किल है। तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार 8 घंटे तक लगी रहीं, तब जाकर के वो आग बुझी। तो वो फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी और मैं बैठकर देख रहा था। मेरे बेटे थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आते, मैं कुर्सी पर बैठा था। तो पापा आप ठीक हैं? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूं बेटा। बैठे बैठे बस गुरुजी का जाप लगातार चलता रहा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अब आप ही संभालो। ये एक संपुट लग गया। किसे होश था कि वो ये ध्यान रखे कि 7 बार गुरु मंत्र का जाप करना है, कि 14 बार करना है, कि 21 बार करना है। बस हर एक मंत्र के बाद गुरुजी अब आप ही संभालो। वो लगातार चलता रहा। और कमाल ये कि जिस ब्लॉक में आग लगी थी, उस ब्लॉक से वो 6 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बहुत ही भयानक आग थी। सब कुछ स्वाहा हो सकता था, लेकिन उस ब्लॉक में सिर्फ जो माल था लगभग 1 करोड़ का, वो जला। पर उसके बाहर वो आग नहीं फैली। और 8 घंटे के बाद वो आग अपने बुझी। उसके बाद सवाल ये आया कि भाई इंश्योरेंस क्लेम का क्या होगा। इंश्योरेंस के पेपर्स निकाले तो उसमें एक टेक्निकल मिस्टेक थी, और वो जो पार्ट था जिसमें फायर हुई थी वो कवर ही नहीं था। मैंने कहा गुरुजी आप ही संभालो। इंश्योरेंस का क्लेम मिलने में सालों लग जाते हैं लोगों को। और मेरे मिलने वाले एक दो अधिकारी थे, उनको वो पेपर्स दिखाए, उन्होंने कहा इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और ठीक 1 महीने के अंदर लगभग 60 से 70% नुकसान का चेक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से मेरे हाथ में आ गया। बड़ा नुकसान था। बड़े अधिकारी उसकी जांच कर रहे थे, क्लेम सेटल करने आए थे। जय गुरुजी, वो पकड़ ही नहीं पाए कि इसमें ये चीज कवर ही नहीं है। अपनी संगत की रक्षा करने के लिए गुरुजी क्या करते हैं वो गुरुजी ही जानते हैं। मन से बस जो मैं समझ पाया, अटूट विश्वास के साथ, हृदय से अगर विश्वास है गुरुजी अब आप ही जानो, आप ही संभालो, तो बस फिर हम फ्री हो जाते हैं। कोटा गुरुजी संगत के सत्संग में बहुत सी बार एक आंटी एक बार मुझसे कहने लगी, ऐसे ही कोई सत्संग में शेयर कर रहा था तो वो दूसरे तीसरे दिन उनका फोन आया, कहने लगी अंकल आप कहते हो गुरुजी से मैं हम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पूरी होती है, तो मैं भी कोई रिक्वेस्ट कर रही हूं, मेरी तो पूरी नहीं हो रही। आपकी गुरुजी जल्दी सुनते हैं, आप गुरुजी से मेरे लिए अरदास कीजिए।
मैंने कहा आंटी मैं आपके लिए अरदास तो कर दूंगा लेकिन गुरुजी और संगत के बीच में कोई भी नहीं होता, गुरुजी सीधे सबके साथ कनेक्टेड होते हैं। बोले मुझे तो 3 बार हो गई संगत में आते हुए, सत्संग में अब मेरा मन नहीं करता आने का, मेरी तो मांग पूरी नहीं हो रही। तो मैं, उन्होंने कहा था तो दूसरे दिन उनके लिए गुरुजी से अरदास की और उसके बाद ऐसे ही एक गुरुजी का शब्द चलाया तो उसमें भाई जी जवाब दे रहे थे, लोग की दाता नाल प्यार करन लग देने, प्यार दाते नाल करना चाहिदा है। गुरुजी के पास भी मुझे लगता है कि बहुत सारे संगत आती है, लाखों की तादाद में आती है, पर समय ऐसा हो गया है कि अपनी इच्छा लेकर आते हैं। गुरु चरणों से अगर मन से जुड़ेंगे तो इच्छाएं कब पूरी हो गई पता नहीं चलता, पर लोग बहुत जल्दी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के बारे में सोचते हैं और वो जल्दी से नहीं होता हो तो उन्हें लगता है कि हमारा यहाँ आना शायद ठीक नहीं रहा, पर मन में पूरे विश्वास के साथ मेरा अनुभव यही रहा है, गुरु चरणों से जुड़ा जाए, इच्छा जताने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने अभी एक बात कही थी कि गुरु खोजने गया था, भगवान मिल गए। बड़ी से बड़ी समस्याओं में मन भरता नहीं है पर गुरु जी की बात करने लगते हैं तो बोलना मुश्किल होने लगता है, जज्बातों पर काबू नहीं रहता। गुरु जी सचमुच में भगवान हैं, मुझे लगता है कि मुझे सत्संग करने का कोई लंबा अनुभव नहीं है, कभी ज्यादा सत्संग नहीं की, पर किसी भी तरह की कैसी भी मुसीबत गुरुजी ने आने नहीं दी और सीधे सीधे महसूस हुआ कि बहुत बड़ी मुसीबतें भी जब आई तो वो शरीर पर फूल की तरह लगी, शूल की तरह नहीं। गुरुजी सारी संगत को खूब प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, गुरुजी से यही अरदास है। जय गुरुजी।